Hello dear students, I am Dharmesh, an English teacher, and you are watching my YouTube channel Career Load Star, the place where success is sure. Let me tell you my dear students, today I will teach you about optative sentence and exclamatory sentence. I think we should not waste our time, so let us start this video. Optative sentence, चलते हैं आप देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है. इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जितने भी सेंटेंस के पहले आपने पढ़े. ये अगला जो वीडियो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है. जैसा कि आप स्क्रीन पर डेफिनेशन देख पा रहे हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश, कर्स, ईटीसी इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. यानी ऐसा सेंटेंस जिसकी मदद से हम प्रार्थना, इच्छा, श्राप आदि व्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है. यानी वह सेंटेंस जिसका प्रयोग करके हम किसी को श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या किसी के प्रति हम प्रार्थना व्यक्त करते हैं, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए. मे गॉड हेल्प यू, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपका भला करे. इस ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में प्रेयर किया गया, तो ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस है, विश यू हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो. सपोज दैट कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है और उसको हम जो है इस तरह से बोलते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी, तो हम ये कामना करते हैं कि उसकी यात्रा जो है वो सफल हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, मे यू नेवर सक्सेस, भगवान करे आप कभी सफल ना हो. यानी इस तरह का वाक्य हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी को कर्ज करते हैं, यानी किसी को हम किसी के प्रति जो है हम गाली व्यक्त करते हों या उसको हम श्राप देते हों, तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है. जैसा कि हम हर सेंटेंस का जो एक क्रिएटिव रोल बताएंगे, किस तरह से उसको हम जो है व्यक्त करेंगे या कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो इसके भी हम रूल देखते हैं कि किस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आपको मे पुट करना होता है, यानी जो ये हमारा हेल्पिंग जो मॉडल वर्ब होता है मे, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन अदर वर्ड लिखते हैं. तो इस तरह से ये चीज आप मत भूलिएगा, जो ये हमारा ये जो रूल है लिखने का, सेम रूल है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने का, वहां भी जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट देन आता है. लेकिन डिफरेंस है दोनों के बीच क्या, कि यहाँ पे जो होता है एक्सक्लेमेशन साइन होता है, यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और वहाँ पे जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. ये डिफरेंस दोनों में होता है, दोनों का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इनके बीच ये डिफरेंस होता है. देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो. यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये सेंटेंस जो होता है यहाँ पे आपको मे पहले रख दिया था, उसके बाद सब्जेक्ट है. आप जैसे सेंटेंस में मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मे जो होता है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और एक गॉड यहाँ पे है जो आपका भला करे, यानी सब्जेक्ट क्या है, गॉड है. गॉड जो है वो आपके ऊपर जो है भलाई वाला काम करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में जो वर्क करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है. आपको यहाँ वर्क करने वाला कौन मिला, गॉड. तो यहाँ पे जो है गॉड सब्जेक्ट है और मैं आपको पुट करना था उसके पहले. अगले सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे, मे यू नेवर सक्सेस, भगवान करे आप कभी सफल ना हो. यहाँ पे जो भगवान जैसे शब्द हैं, यानी ईश्वर भगवान जैसे शब्द हैं, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि हम इनका जो है ट्रांसलेट इनका वो हमने देखिए यहाँ सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट आपका यू है, यानी जो सफल होगा या ना होगा ये कौन है, ये आप हैं. यानी यू है वो सफल होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ पे सफल जो ना होने वाला व्यक्ति है, सफलता का काम जो ना करने वाला व्यक्ति है वो यू है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू होगा. तो इस तरह के सेंटेंस में भले भगवान आप हिंदी में बोलते हैं कि भगवान करे ये हो, भगवान करे वो हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट भगवान ना हो तो अपने सेंटेंस में गॉड जो है ना क्रिएट करें, यानी अपने सेंटेंस में गॉड शब्द न लाएं. हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब देन आपको सब्जेक्ट रखना होगा, सब्जेक्ट जो भी हो, भगवान है तो भगवान रखेंगे, अगर कोई अदर व्यक्ति सब्जेक्ट है तो उसको आप सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे. चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है
ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसको बोलने के लिए माइंड यूज नहीं करना पड़ता है, बल्कि दिल यूज करना पड़ता है। यानी ऐसा सेंटेंस जो दिल से निकल जाए, एक बैग हम दिल से बोल देते हैं, उस तरह के सेंटेंस जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चला इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सरप्राइज, सारो, जॉय, रिग्रेट, कंटेप्ट, इटीसी इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जो आश्चर्य व्यक्त करता हो, सारो व्यक्त करता हो, यानी दुख व्यक्त करता हो, खुशी व्यक्त करता हो, पश्चाताप व्यक्त करता हो, क्रीड़ा व्यक्त करता हो, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह सेंटेंस जिसके द्वारा आश्चर्य, दुख, खुशी, पश्चाताप, घृणा आदि व्यक्त किया जाता है, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी कभी भी हमें दुख व्यक्त करना है, आश्चर्य व्यक्त करना है, खुशी व्यक्त करना है, पश्चाताप व्यक्त करना है, या किसी के प्रति नफरत व्यक्त करना है, तो उस तरह जो हमारे मुख से आवाज वो सेंटेंस निकलता है उस समय, तो वो सेंटेंस जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो व्हाट या हाउ से शुरू किए जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो अक्सर व्हाट से या हाउ से शुरू होते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ व्हाट होता है, कहाँ पे हाउ होता है। देखिए ये रूल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि किसी सेंटेंस में आप मान लीजिए सपोज दैट आप सरप्राइज जो है शो करना चाह रहे हैं, सरप्राइज व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो अगर सरप्राइज जिसके प्रति आपको हुआ है अगर वो नाउन है तो जो है हमें व्हाट लगाना होता है, अगर नाउन नहीं है तो हमें हाउ लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, व्हाट ए विक्ड बॉय, यानी कितना दुष्ट लड़का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बॉय एक नाउन है, ये कॉमन नाउन है, और विक्ड जो होता है वो एडजेक्टिव है, और इसके लिए हमें जो है कितना शब्द, यानी अपना जो जो है ये हमारा भावना व्यक्त करने के लिए हमने व्हाट लगाया। व्हाट का मतलब बहुत ज्यादा, हिंदी में इसका मतलब है बहुत ज्यादा, वो कितना दुष्ट है मतलब बहुत ज्यादा दुष्ट है। हाउ क्या क्या होता है, हम हाउ केवल एडजेक्टिव के फल लगाते हैं, यानी कभी भी किसी सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव हो और वो नाउन ना हो, यानी जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नाउन ना हो, उसका केवल एडजेक्टिव हो, तो वहां पे केवल हाउ और एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई लड़का है वो बहुत सुंदर है, तो हम लड़का ना करके डायरेक्टली हम बोले वो बहुत सुंदर है, वो कितना सुंदर है, तो हम कहेंगे हाउ स्वीट, हाउ लवली, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ सैड, इस तरह के वर्ड यहाँ पे जो है व्हाट सैड या व्हाट लवली नहीं कर सकते हैं। यानी व्हाट शब्द यूज करना है केवल आपको एडजेक्ट नाउन के पहले, और जहां पे नाउन ना मिले केवल एडजेक्टिव मिले तो वहां आपको आपको हाउ केवल यूज करना है। तो ये रहा आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आप और इस सेंटेंस के साथ जो होता है हमारा ये जो सेंटेंस का वीडियो लेक्चर है वो समाप्त होता है। इसके बाद जो है आगे हम ग्रामर के पोर्शन में और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंटिन्यूली हमारे चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।